हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, ये लोग भी किसी नाम के मोहताज नहीं, अमिताभ बच्चन वर्सेस अभिषेक बच्चन। दोनों बाप बेटे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के महान सितारा हमारे अमिताभ बच्चन साहब। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है, इससे पहले मैंने आप लोगों को सचिन तेंदुलकर वर्सेज विनोद कांबली को बना कर दिया है, उसको जरूर देखिएगा। उस वीडियो को से मैंने बताया था कि मैं आप न्यूमरोलॉजी को और एक एडवांस स्टेज पर ले जाऊँगा कि अभिषेक बच्चन को वो सफलता क्यों नहीं मिली अपने पिता की तरह। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ, ये पूरा उनका इंडियन न्यूमरोलॉजी, लुसोगोड एनालिसिस, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। उनके पिता को किस वजह से सफलता मिली, अभिषेक बच्चन को किस वजह से सफलता नहीं मिली, है ना। उतने बड़े स्टार अमिताभ बच्चन के लिए कोई भी स्टार कम है। जिस तरह से रजनीकांत के लिए मैंने कहा 7 स्टार, सुप्रीम स्टार, मेगा स्टार, है ना, कोई भी नाम लगा दीजिए इनके लिए कम है। इनकी पर्सनैलिटी के सामने सारे हीरो की पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ इंडिया की खाली बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी 80 साल में ही सबसे हैंडसम दिखते हैं, आज भी 80 ईयर्स में। जहाँ ये खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इनका डायलॉग आज से आज 50 सालों से चला आ रहा है ना। तो ये एकदम सही है, जहाँ ये खड़े हो जाते हैं वहाँ पे वहीं से लाइन शुरू होती है। तो इनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, एकदम सही फिट यूज़ होता है। तो आज हम जो आपको बताएंगे कि अभिषेक बच्चन को वो सफलता क्यों नहीं मिली, और सिर्फ मैं यही नहीं बताऊँगा, आज मैं अभिषेक बच्चन को उनको नाम करेक्ट करने का भी बता कर दूंगा कि उनको कौन सा नाम में क्या जोड़ना है जिसकी वजह से उनका नाम आज लकी होगा थोड़ा सा, और उनको सफलता जो है छप्पर फाड़ के अगले 9 साल तक मिलेगा, है ना। अदरवाइज अगर वो नाम करेक्ट नहीं किए तो फिर उनका सफलता कितने साल से शुरू होगा, है ना। फिर अभी जो उनको बम्फर सफलता मिलेगा, सब कुछ फाड़ के सफलता मिलेगा, वो कितने साल से शुरू होगा और वो कितने दिन तक रहेगा, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि आप देख रहे हैं फिल्म स्टार लोगों का सफलता अब धीरे धीरे करके 50-55 के बाद सबका डाउन होता चला जाता है ना। 60 तक आते रहते सब खत्म हो जाता है, सब कैरेक्टर रोल में चले जाते हैं। लेकिन अभिषेक के साथ, है ना, 60 ईयर्स तक, है ना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखते हैं कैलकुलेशन करके। उससे पहले आप लोगों को फिर से रूल ऑफ ऑकल्ट साइंस सबको बता दूं, ये बताना बहुत जरूरी है। जो भी लोग नया वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब गुप्त, गुप्त साइंस मतलब विज्ञान, गुप्त विज्ञान। गुप्त विज्ञान क्या है? यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानना गुप्त विज्ञान कहलाता है। जो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ दौड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने वश में करना है, ऑब्जर्व करना है और उसको वश में करना है और अपने अनुकूल बनाना है, ठीक है, उसको कहते हैं गुप्त विज्ञान। और वहाँ हम नॉलेज दे देंगे साइंस की जगह, तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा वो, ठीक है। लॉजिक है तो मैजिक है। जो भी वीडियो आप देखते हो, अगर आपको सही लग रहा है, अगर वीडियो देख के, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो तो वो लॉजिक है। इसका मतलब मैं करेक्ट बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको कन्फ्यूज कर दिया बता के, फिर समझ लो आपको उसमें लॉजिक, अब लॉजिक नहीं है तो मैजिक नहीं है, मजा नहीं आएगा आपको। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर जो है भगवान, गॉड, मैजिशियन नहीं है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, अगर कोई अपने आप को गॉड बोलता है, भगवान बोलता है, मैजिशियन बोलता है, जादूगर बोलता है, उसको बोलिए देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ। अगर आप इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हो अपने बारे में, प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि आप गॉड मैजिशियन। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास मरीज आता है इलाज करने के लिए, बीमारी के हिसाब से उसको इंजेक्शन दिया जाता है, जहां टैबलेट की जरूरत हो टैबलेट दिया जाता है, जहां सिरप की जरूरत हो सिरप दिया जाता है। उसी तरह से हम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर भी उसी तरह से हैं, है ना। उपाय जो बताते हैं उसी हिसाब से उपाय बताते हैं, जिसका, और किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया, इसका इलाज ही नहीं है, क्या करेगा आदमी। अब कुछ कैंसर का इलाज है तो उसका इलाज होता है, फिर उपाय बताया जाता है। अमेरिका में जाइए, ब्लड कैंसर का जबरदस्त इलाज है, लोग 25-25 साल तक पैसा खर्च करके जीवित रहते हैं। तो सब चीज का उपाय, गॉड ने प्रॉब्लम दिया है तो सब चीज का सॉल्यूशन दिया है। गॉड ने हर ताले की चाबी दी है, ऐसा कोई ताला देखा जो चाबी ना हो। तो ये चीज समझना है, हर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर 80-20, 80% प्रेडिक्शन सही हो सकता है, 20% गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है। हर यूट्यूब पर जितना भी वीडियो आप देखते हो, लाखों करोड़ों वीडियो है, जहां भी देखते हो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन मेडिसिन की तरह, दवाइयों की तरह है ना, जिसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। अगर खाने की कोशिश करोगे तो मौत भी हो सकती है, डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकता है, बहुत सब चीज़ें हो सकती है, अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इसीलिए उसके लिए न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है। पढ़ना है, सीखना है तो मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराता हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको टाइम स्लॉट दे दूंगा मैं, है ना। अब कोई भी ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, हम न्यूमरोलॉजिस्ट हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, चीप एंड बेस्ट हम करके देते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ऑनेस्ट, ईमानदार, अच्छा नहीं, अच्छा बहुत लोग होता है, बट जो नॉन नेसेसरी नहीं कि वो ईमानदार हो, है ना। अच्छा ही ईमानदारी में बहुत फर्क होता है।
कभी एक दिन वीडियो बना के बताऊंगा। ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, आपको ईमानदार न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ढूंढना है अपने गांव में शहर में बहुत मुश्किल है मिलना। ओके 80% बेईमान लोग हैं सब फील्ड में, अब 20% से भी ईमानदार लोग कैसे ढूंढोगे? 80% ने ढक के रखा है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेडी आचार्या जी का नंबर दे रखा है, उनसे ये जान लो, जो कि मैंने हमेशा वीडियो में कहा है कि आपका कौन सा 1 से लेकर 9 तक नंबर में कौन सा बलवान है आपका, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर बलवान होगा तो आपको मनचाहा फल मिलेगा, आप जो बनना चाहोगे वो बनोगे अपने नंबर्स के हिसाब से। और मैं आपका सारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब लकी कर दूंगा, लकी नेम बना दूंगा, लकी ईमेल आईडी बना दूंगा, लकी आपका मोबाइल नंबर बना दूंगा, लकी हाउस नंबर दे दूंगा, लकी कंट्री बता दूंगा, फॉरेन जॉब सेटलमेंट बता दूंगा, कब शादी होगी, किस लड़की से शादी करोगे जो फलेगा फूलेगा, लव रोमांस का बता दूंगा, ये सब चीज ऐसा बता दूंगा कि आपको जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा कि रॉकेट की तरह दौड़ोगे, ऊपर ऊपर उठते ही चले जाओगे, कभी नीचे नहीं लौटोगे। और सफलता जो होता है ना, ऐसा चस्का होता है सफलता, एक बार सफल हो जाओगे ना कभी नीचे नहीं आना चाहोगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी भी करानी है आचार्य जी से और मुझसे न्यूमोलॉजी भी करानी है। थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर ढेर सारी खुशियां मिलती है तो उस खुशियों के पीछे भागो। आप पूरे घर का न्यूमोलॉजी कराओ, नाम सबका सही होना चाहिए, पूरे घर का, पूरे परिवार का है, बेटा बेटी माँ बाप सबका कराओ, कम से कम अपने बच्चों को तो जरूर कराओ, उनको पढ़ने में मन लगे, उनको अच्छा करियर की तरफ जा सके वो, है ना, आपका बात माने, आपसे बगावत ना करे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जीवन में। चलो अब बताते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में, तो एनालिसिस करना जरूरी नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, उनके बारे में उनको तो सफलता मिलना ही मिलना है, ऑलरेडी उनके पास इतने सफल हैं, आज के डेट में उनका नेटवर्थ कहा जाता है कि $1 बिलियन का है। लेकिन अभिषेक बच्चन इतने बड़े मेगा स्टार, सुप्रीम स्टार, जो भी स्टार इनको दीजिए, 1 to 9, अगर 9 स्टार होता तो 9 स्टार में अमिताभ बच्चन के लिए कम होता था, जिस तरह से रजनीकांत के लिए कम पड़ता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जिनके 9 स्टार हम दे सकते हैं, दिलीप साहब को हम दे सकते हैं 9 स्टार, सबसे पहले तो मैंने उनको ही दिया है 9 स्टार, उसके बाद बिग बी को मैं दे रहा हूँ 9 स्टार। अभिषेक बच्चन उतने बड़े स्टार होने के बाद, बेटी होने के बाद भी उनका भाग्य सफल नहीं होता है, इनके साथ क्या हो रहा है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना, कभी कभी उनके पास बहुत सारा पिक्चर आ जाता है, 2-3 पिक्चर आ जाता है साल में, कभी साल में 2-2 साल तक एक भी पिक्चर नहीं आता, कभी एकदम नहीं रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है वो आज मैं बताऊंगा, और इनको क्या करने से सफलता मिलेगा, जो कि इनको अगर फॉलो कर लिया इन्होंने मेरा बात मान लिया जरा सा भी, अगर गलती से भी, तो इनको अगले 10 साल तक कोई नहीं पछाड़ सकता। ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्टर में से गिनती होंगे, सबसे धनवान एक्टर में से गिनती होंगे, कैसे अब मैं बताता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन का जैसा कि हम लोग जानते हैं, गूगल सर्च के थ्रू हम लोग सब कुछ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ये सब, ये है 43 इनका आता है नेम नंबर, 43 आता है, 8, 9 + 7 करेंगे तो ये 16 आता है, ये तो ये भी 7 हो गया। अमिताभ बच्चन जी को अपने जीवन में 73 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, एक्चुअली किया तो 69 से है स्टार्टिंग, सारा 7 फिल्में उनकी फ्लॉप रही, 7 या 11 फिल्में फ्लॉप रही, सर ऐसा कुछ है। 16 साल उनको तकलीफ रहा है अपने जीवन में, एक बार पूछ कर देख लीजिएगा अभिषेक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गलती से भी, अगर आपके पास आ गया अपने पिताजी से पूछिएगा, उनको 16 ईयर्स का टोटल तकलीफ रहा है आज तक, 80 साल में टोटल तकलीफ। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 नंबर, चूंकि 2 नंबर सेकेंड नंबर बन गया, 1+1 मास्टर नंबर होने के बावजूद, है ना, और टोटल बनता है 1। आपको जान के हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन को सफलता किसने दिलाया, आज मैं ये बताऊंगा आपको, आपको बहुत आश्चर्य होगा, ठीक है। सबसे पहले ये बता दें कि इनका जो नंबर बनता है 7 नंबर केतुदेव का नंबर, हम लोग सब जानते हैं केतुदेव को वेस्टर्न वर्ल्ड में नेपच्यून कहा जाता है, राहु देव को यूरेनस कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न न्यूमोलॉजी में। तो इसके हिसाब से अगर हम ये न्यूमोलॉजी करें सबसे पहले, है ना, तो साइकी नंबर 2, जबरदस्त लकी नंबर चंद्रमा का नंबर, डेस्टिनी नंबर 1 लकी नंबर, राहु देव जो कि इन दोनों के हिसाब से नहीं है, है ना, लेकिन चूंकि नेम नंबर 7 नंबर, है ना, 7 नंबर डेस्टिनी नंबर 1 नंबर, लेकिन राहु देव कट, ये अनलकी हो गया आपका, क्योंकि सूर्य देव और चंद्र देव का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो राहु देव केतु देव है। आज बिग बी को जो जितनी भी तकलीफ हुई है सिर्फ इनकी वजह से, केतु देव की वजह से हुई, इनको क्या नहीं मिला आज की 80 साल में, इन्होंने धोखा खाया, कॉन्स्पिरेसी हुआ, कर्जे में डूबे, इनको लोन हुआ, इनका घर गिरवी रखा गया, ये MP के इलेक्शन जीते, उनके ऊपर लांछन लगा, है ना, आरोप लगा, इनको कितनी बार इंसल्ट मिली है जीवन में, इंसल्टेड फील हुए हैं पब्लिक में प्राइवेट में, है ना, इनका हेल्थ इश्यूज रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा, सिर्फ 7 नंबर की वजह से।
हमको तो आश्चर्य लगता है कि बिग बी ने अपना नाम क्यों नहीं करेक्ट कराया। इतना सुंदर नंबर, सूर्य और चंद्रमा का नंबर, लूसो ग्रिड में इनका 5 बार A1 है ना। न्यूमोलॉजिकल होरोस्कोप में अगर 3, 5 या 7 बार अगर कोई नंबर आता है तो वो बहुत मजबूत नंबर कहलाता है। लूसो ग्रिड में इसको रिपीटिंग नंबर को गलत मानता है, उसका इलाज वो करने लगता है, लेकिन न्यूमोलॉजी के हिसाब से ये 5 बार सूर्यदेव का आना, इसीलिए इतना सफल हुए जीवन में कि आज तक इनका रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया बिग बी का। और वो इसीलिए कि सूर्यदेव चंद्रदेव जो है माता पिता के तरह, सूर्यदेव हमारे पिता हैं और चंद्रदेव हमारी मदर के रूप में माना जाता है, फादर मदर। जब फादर मदर ही आपका नंबर है तो आपको कौन बिगाड़ सकता है, आपका कौन क्या बिगाड़ेगा। कोई तो ने कितनी कोशिश की आपको, आपको बैक स्टैबिंग दिलवाया, आपको पीछे ढकेला, आपका करियर को बाउंस बैक करवाया, कैसी स्थिति हो गई थी आपके 90 से लेकर 2000 तक, हम लोग सब जानते हैं। सब फिल्में फ्लॉप होती थी आपकी, बुरी तरह से आपका कर्ज में ABC कॉरपोरेशन आपका फेल हो गया, क्योंकि आपका 5, 8 ये सब मिसिंग है, 5, 6, 7 तो होना ही था। सिर्फ एक ग्रेड कंप्लीट करने से लूसो ग्रेड से तो नहीं हो सकता, इसका मतलब लूसो ग्रेड ने आपको सफल नहीं बनाया, आपको ये दोनों नंबर ने, इंडियन न्यूमरोलॉजी का नंबर ने सफल बनाया, क्योंकि आपके साथ पिता भी हैं सूर्यदेव और माता भी हैं चंद्रदेव, जिसको फादर मदर, फादर फादर और मदर कहा जाता है। यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है आपके जीवन में, ये दोनों नंबर काफी होता है किसी केस में। अगर गलती से भी अगर आपका नंबर, अगर ये नेम नंबर 1 पे होता था या 3 पे होता था तो आपके पीछे जितना भी आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, क्योंकि 11 नंबर मास्टर नंबर होने से क्या हो, ये 43 नंबर भी वैसे ही है आपका, धोखा वाला नंबर है ना, फ्रॉड का नंबर, चीट का नंबर, आपके साथ सब कुछ हो, इंसल्ट का नंबर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का नंबर, हेल्थ इश्यूज, आपको कितना बार हेल्थ इश्यूज हुआ है ना। और सबसे दुख की बात कि पत्नी का प्यार तो आपको मिला, साथ में रही, जया जी रही, लेकिन बच्चे का सुख आपको नहीं मिला। वेरी सिंपल, आप लोग बोलेगा कि यहाँ तो 6 नहीं, उनके पास लग्जरी लाइफ स्टाइल कम्फर्ट कैसे आया, आपके पास 4 है, ये सब सूट है आपका। एक नंबर तो आपका सबसे, सूर्यदेव तो सबसे बलवान है आपके जीवन, तो आपको तो नेम फेम मिलना ही था, क्योंकि सूर्यदेव तो नेम फेम का नंबर है, इसलिए आपको इंडियन न्यूमरोलॉजी ने सफल बनाया, इस बात को याद रखना है। इसलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी का यहाँ कोई काम नहीं है इनके जीवन में, बिग बी के जीवन में, हमारे सुप्रीम स्टार, मेगा स्टार, 9 स्टार एक्टर है ना, दिलीप साहब के बाद अगर मैंने किसी को 9 स्टार दिया है तो इनको दिया है, रजनीकांत साहब को दिया है। चलिए अब बताते हैं कि अभिषेक बच्चन का करियर क्यों नहीं सफल हुआ, क्योंकि मैं इनके लिए बहुत कंसर्न हूँ, क्योंकि ये अपने पिता से भी अच्छे एक्टर हैं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। जी हाँ, हर बाप को गर्व होगा कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा एक्टर है, और अमिताभ बच्चन को ये बात पता होगा, जरूर पता होगा कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है। अभिषेक बच्चन मैथड एक्टर है, उसकी आंखों से एक्टिंग दिखती है, उसका इमोशंस दिखता है, उसके बाद भी उसको सफलता क्यों नहीं मिला, अब बताते हैं आपको। ये 24, ये 25, ये टोटल मिला के 49, 13, 13 साल कष्ट मिनिमम रहेगा इनको, क्योंकि कार्मिक डेट नंबर है। बिग बी का भी कार्मिक डेट नंबर 16 है, इनका भी कार्मिक डेट नंबर 13 है, ऊपर से बिग बी का मास्टर नंबर 11 है, लेकिन 11 मास्टर नंबर सबको सूट नहीं करता, ये बात को ध्यान रखिएगा। 5 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ है, अभिषेक का साइकी नंबर है, डेस्टिनी नंबर 3 है। अब साइकी नंबर 5 ये अनलकी होता है, 3 नंबर डेस्टिनी ये भी अनलकी हुआ, तो नेचुरली इसके हिसाब से ये भी अनलकी हो गया ना। वेरी सिंपल, जब आपका साइकी नंबर के हिसाब से नेम नंबर नहीं है तो वो तो अनलकी हो गया, तो ये तीनों अनलकी हो गया, इसका मतलब अभिषेक को इंडियन न्यूमरोलॉजी ने किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया। वेरी सिंपल, अब चलते हैं लूसो ग्रिड एनालिसिस में। इनकी पिताजी का सिर्फ एक ही ग्रिड बनता था, 492 मेंटल प्लेन बनता था, अभिषेक का 3-3 ग्रिड बनता है, उसमें एक ही ग्रिड काम का है, तो अभिषेक को अभी तक जो सफलता है वो सिर्फ 951 की वजह से है, लेकिन 852, 456 बिल्कुल गोल है, जबकि 56 है, 4 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभिषेक का 4, 5 और 6 ये सब नीच का है, कारक है, मारक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, और इन तीनों को एक ही नंबर उठा सकता है, अभिषेक को एक ही नंबर सफलता दे सकता है, अगर अभिषेक ने मेरी बात मानी तो। कि अभिषेक बच्चन HA लगाना होगा उनके बीच में, या फिर बच्चन BACHCHAN, उससे क्या होगा इनका नाम आ जाएगा 55 पे 1 नंबर। जैसे ही इनका 1 नंबर आएगा, सूर्यदेव जो है इन सब का सब्स्टिट्यूट है अकेला, और जैसे ही 1 पे आएगा तो इनका साइकी नंबर 5, 1, 5 सूर्यदेव बुध, जबरदस्त एफिनिटी है,
वन और थ्री जबरदस्त एफिनिटी है। अब इसी को सफलता अगले साल से ऐसा मिलेगा कि अगले 11 साल तक, इनका 13 साल अगले साल कंप्लीट हो रहा है, अगले साल से 11 अगले, अभी 46 इयर्स के हैं तो जोड़ लीजिए 6 × 7 = 4 × 5 57 इयर्स तक उसको कोई नहीं पछाड़ सकता। नंबर वन एक्टर ऑफ द इंडिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री रहेगा अभिषेक, नेम फैम के साथ, जबरदस्त एप्रिसिएशन के साथ। अगर वो ये मानते हैं तो, नहीं भी मानते हैं तो इनको अभी नहीं भी 4 साल और लगेगा, क्योंकि अभी इनका 46 ईयर ही हुआ, इनका चूंकि डेट ऑफ बर्थ 50 है तो 50 ईयर्स के बाद फिर अगले 9 ईयर्स तक इनको, मैंने 59 तक इनको जबरदस्त सफलता मिलेगा। अगर उन्होंने नहीं भी बात मानी, अगर वो बात मानते हैं तो अगले साल से नहीं तो फिर उनको अगले 4 साल के बाद जो सफलता मिलेगा वो 9 साल तक रहेगा, 59 ईयर्स तक रहेगा। अगर अभिषेक भैया अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरा ये न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट करते हैं तो गूगल पे पे 699 रुपीज़ भेज दीजिएगा, है ना, मेरा कंसल्टेंसी फी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरे सारे श्रोतागण जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, उससे मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बेबी।